नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे। ईडी ने 25 अक्टूबर को वैभव गहलोत को समन भेजकर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट यानी कि फेमा के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, तो वैभव ने पेश होने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय मांगा था। वैभव वकीलों की राय लेने के बाद खुद की कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों के साथ ईडी के सामने कल पेश हुए। वैभव गहलोत से ईडी ने उनकी कंपनीज के लेन देन, पार्टनरशिप और मॉरिशस लिंक के बारे में पूछताछ की, तो ईडी के समन के साथ उन डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट दी थी जिन्हें वैभव साथ लेकर आए थे। और वैभव और उनके परिवार के मेंबर जिन कंपनीज में डायरेक्टर हैं उनका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। वैभव की कंपनियों और उनके लेन देन के ब्यौरे ट्राइटन होटल्स और रिजॉर्ट्स कंपनी के साथ लेन देन का शुरू से लेकर अब तक का साल दर साल पूरा ब्यौरा मांगा गया है। तो सनलाइट कार रेंटल कंपनी के लेन देन और विदेशों से हुए लेन देन की भी जानकारी मांगी गई है। इधर वैभव गहलोत ने कहा है कि ट्राइटन होटल्स से मेरी कंपनी का व्यावसायिक संबंध केवल टैक्सी दिलाने तक का है, जो भी है उनसे जुड़ी किसी भी कंपनी में हिस्सेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ट्राइटन इंडिया में डायरेक्टर या पार्टनर कभी नहीं रहा। उनकी कंपनी ने विदेश में क्या ट्रांजैक्शन किया है इससे इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। विदेश से कोई व्यापार या फिर यहाँ मेरी कोई संपत्ति नहीं है। नहीं, ईडी का जो समन आया था वो फेमा के तहत आया था और मैंने उनको कहा कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो पहली बात तो ये नोटिस ही जो आया है ये फेमा के तहत आया, फेमा का हमारा कोई ट्रांजैक्शन मेरा या मेरे परिवार का कोई है नहीं। बाबू जी, आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है? इलेक्शन चल रहा है, आप बिजी होंगे इस टाइम, आपके फादर वहाँ सीएम है, आप एक्टिव नेता है, जानबूझ के आपको परेशान बिल्कुल किया जा रहा है? जिस तरीके से बहुत कम समय दिया गया, केवल डेढ़ दिन का समय देके वापस कहा गया, जब मैंने टाइम मांगा भी 15 दिन का, केवल डेढ़ दिन का समय दिया और उस हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम और मिलना चाहिए था, मगर ये लोग टाइम नहीं दिया इन्होंने। नहीं, फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो पहली बात तो ये नोटिस ही जो आया है, आपको लगता है?